विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में एक गोष्ठी का आयोजन कॉलेज के परिसर में किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि जिला चिकित्सालय के डॉक्टर रोहित गुप्ता, एनएसएस के समन्वयक डॉक्टर केशव सिंह, वरिष्ठ स्वयं सेवक अभिषेक प्रताप सिंह तथा प्रदीप कुमार सहित अन्य शिक्षक और स्वयं सेवक मौजूद रहे। इस मौके पर स्वयं सेवकों को मधुमेह के लक्षण और उपायों को बताया गया। अपने संबोधन में डॉक्टर केशव सिंह ने कहा कि आज के भागदौड़ की जिंदगी में मानसिक उलझन मधुमेह का कारण साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर मधुमेह जैसी गंभीर बीमारी से बचना है तो टेंशन कम करना होगा। एक आम नागरिक के तौर पर हम सभी को भी जानकार और साथ साथ समाज को भी जागरूक करने की आवश्यकता है। डायबिटीज 1 या डायबिटीज 2 अब इस तरह की एक आदत सी बन गई है। ऐसे में इसके पीछे हमारा खान पान, हमारी दैनिक दिनचर्या और हमेशा स्ट्रेस में रहना, एक न चाहते हुए भी पता नहीं किस तनाव में लोग जी रहे हैं और क्या चाहते हैं। जैसे कहना ठीक है भाई कि अच्छा जीवन हो, अच्छी शिक्षा हो, अच्छा रहन सहन हो, एक मूलभूत अच्छी व्यवस्था हो आपके पास, लेकिन उससे संतोष नहीं है। दुनिया में और लोग आगे क्या करना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, इसके पीछे भागते हुए चले जा रहे हैं, सोचने का मौका नहीं है। और जो यह बिगड़ी हुई दिनचर्या हमारी है, यही सब चीजें इस डायबिटीज का कारण बन रही हैं और बहुत सारी बीमारियों का तो निमंत्रण दे रही है। सभी के ही प्रोफेसर हैं, तो ऐसे में चूंकि है तो एक ही सब्जेक्ट हम दोनों लोगों का प्रॉपर नहीं चलेंगे, कहीं उसमें कोई डिस्टर्बेंस होगा तो बॉडी की पूरी फिजियोलॉजी जो डिस्टर्ब होती है चलना चाहिए। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में दिमागी तौर पर शारीरिक रूप से हमको हर तरह से फिट रहना चाहिए। आप के खान पान का, आपके रहन सहन का, आपके सोने उठने का जो समय है, यह निर्धारित न होना भी एक दिनचर्या को प्रभावित करता है, जिससे कि आपका की बहुत सारी चीजें प्रभावित होती हैं।